Late Chennai maestro Bismillah Khan's Chennai has been stolen and a blame game has started between the sons. Reportedly, the Chennai of music maestro Bismillah Khan was stolen from his Varanasi residence. The culprits are yet to be identified. He was popularly known as Ustad and is recognized for popularizing the Chennai the world over. He is also credited for bringing the concept of Chennai to the concert stage. The Chennai maestro was honored with Bharat Ratna in 2001. देखिए शहनाई चोरी का अभी बात उठा है। शहनाई 2007 में ये शहनाई मेरे भाई नजर हुसैन को काजिम हुसैन साहब ने दिया था। नजर हुसैन साहब के भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए अब्बा जा की शहनाई मेरे। तो शहनाई काजिम हुसैन ने नजर हुसैन को दे दिया। नजर हुसैन 6-7-8 तक उन्होंने प्रोग्राम किया उस पर, और 9 दिसंबर 2009 में वो बीमार तो पहले थे, मगर 1 दिसंबर से बीमार हुए। उसके बाद वो प्रोग्राम भी करते रहे, मगर ये फिर 8 दिसंबर से जो अस्पताल गए, जो सीओम में गए, राजू खन्ना गए, सब गए। उसके बाद आखिरी स्टेज पर गए, यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर उन्होंने 17 दिसंबर 2009 को इंतकाल कर दिया। और बीच में एक भाई पहले हमारे मरे, अबुल हसन, मेरे बड़े बाप के लड़के, वो 2009 में 14 दिसंबर को मरे। अब ये दो मौत एक साथ होने के बाद दिमाग मेरा ख़राब हो गया, शहनाई पर वो ध्यान नहीं दिया। शहनाई कमरे में रखी थी, शहनाई कब गई, कैसे गई, कैसे नहीं, ये नहीं पता। पावर्ड बाय NNIS।